हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सिल्वर फॉक्स गेमर यूट्यूब चैनल की और एक नया एंड फ्रेश वीडियो में। तो भाई लोग कैसे हो? आई होप कि सब लोग अच्छे हो एंड बढ़िया हो और आगे भी अच्छे। भाई लोग, आज अपन आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी बोलूँगा और भी एकदम रियली भाई, मैंने जो फेस किया हूँ वो स्टोरी आप लोगों को बोलूँगा। तो क्या है ना भाई लोग, जो फ्री फायर पे बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जिन लोगों के पास आलोक है और अच्छा मतलब लेवल थोड़ा हाई है 50 के ऊपर, मतलब 50 के ऊपर लेवल और आलोक है, तो कुछ गन वगैरह के स्किन है वो लोग। भाई वो लोग के बारे में, तो वो लोग क्या करते हैं भाई, जैसे मैं कुछ दिन एडम लेके खेला था, तो एडम लेके खेलने के बाद क्या हुआ, वो लोग मतलब जब रैंडमली आ जाता हूँ तब मैंने कुछ दिन मतलब एकदम एडम की तरह एडम लेके एकदम थोड़ा नोब की तरह खेला था, मतलब किसी को मारता नहीं था, ऐसे ही जाके मार जाता था। तब मैं एक चीज़ नोटिस किया भाई, तब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिसके पास आलोक नहीं होता है गेम पे देखता नहीं भाई, सिर्फ आलोक नहीं होता है तभी भाई क्या बोलते हैं, नोब बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर है भाई, मतलब बहुत डांटते रहते हैं, मतलब माँ बहन को लेके बहुत गंदा गंदा गाली देते हैं। तो भाई लोग, आप लोगों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई, जिन जिन लोगों के पास आलोक नहीं उन लोगों को भाई ऐसे मत बोलो, क्योंकि भाई बुरा लगते वो लोग भाई आलोक पैसे कोई पैसे के लिए नहीं खरीद पाता या किसी का मन नहीं है आलोक लेने के लिए, तो इसलिए नहीं लेते हैं। पैसा का प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई कोई खुद की मर्ज़ी से आलोक से नहीं खेलता। जैसे भाई मैं आलोक है मेरे पास, फिर भी मैं आलोक से नहीं खेलता, एडम से खेलता हूँ, क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर से खेलने में अच्छा लगता है। तो एक दिन मैंने एक स्क्वाड में गया था, तो मैं कुछ देर तक मतलब मेरा सेटिंग थोड़ा अलग उल्टा गया था, मतलब सेटिंग बिगड़ गया था, तो मैं एक दो राउंड मतलब बंदे को मार नहीं पा रहा था। तो एक बंदे ने क्या किया, मुझे बहुत गंदा गंदा गाली दिया और बहुत कुछ बोला। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं सेटिंग थोड़ा हाथ में आ गया, तब मैं बंदे को मारा भी और एक भुया भी किया स्क्वाड रैंक में। तो उसके बाद उसने मैं क्या बोल मेरा लूट क्रिएट या ग्लोबल का स्किन वगैरह देख के भाई, उसके बाद मुझे सॉरी बोला। तो भाई सॉरी बोलने का तुम्हें कुछ ज़रूरत ही नहीं होता अगर तुम भाई मुझे ये गाली नहीं देता। तो भाई एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे पास सब कुछ था इसलिए तुमने मुझे सॉरी बोला, और मेरा लेवल भी थोड़ा हाई था इसलिए मुझे सॉरी बोला। लेकिन जिन जिन लोगों के पास आलोक नहीं है, गन का स्किन नहीं है, ग्लोवाल का स्किन नहीं है, और क्या है लेवल थोड़ा नीचे वाला है, जैसे 30-40 या 50 के नीचे, उन लोगों को भाई तुम हरगिज़ सॉरी नहीं बोलते, क्योंकि वो लोग पहले तुम जो गेम प्ले देखा था वही करता, तो वही गेम प्ले फुल मैच में करता, और तुमको पसंद नहीं आता तुम उल्टा सॉरी ना बोल के उल्टा और भी गाली देते था। तो भाई ये एक सिर्फ एक गेम है भाई, एक गेम के लिए तुम ऐसे माँ बहन लेके मतलब गाली नहीं दे सकते, ठीक है ना। क्या है ना, गेम के एक मतलब 10-15 मिनट बाद, एक क्लैश स्क्वाड में कितना टाइम होता है, 10-15 मिनट बाद तुम रैंडमली आए हो, तुम चला जाओगे तुम्हारी जगह, वो फिर से उसका जगह, तुम अपना गेम खेलोगे वो अपना गेम खेलेगा, तो ऐसे गाली देना ठीक नहीं है ना। जैसे मतलब मुझे दिया ये तो भाई ठीक है, लेकिन सॉरी बोल दिया, मेरे पास सब कुछ था, बाद में तुम मेरा प्रोफाइल देगा इसलिए मतलब सॉरी बोल दिया, लेकिन जिसके पास ये सब नहीं था उसको तो तुम सॉरी नहीं बोला ना। तो इसलिए बोलता हूँ भाई, सब भाई अपना अपना गेम प्ले सब करता है, जो जिसके पास जो होता है उससे ही वो खुश है, तुम ऐसे गाली नहीं मत दो। अगर ऐसे मतलब जिनके पास आलोक नहीं है उन लोगों के साथ खेलना नहीं है, तो रैंडम मत खेलो ना, रैंडम खेलते ही वो पता है ना, रैंडम में बहुत बंदे लोग आते हैं जिनके पास ये हो भी सकता लोग या नहीं भी हो सकता, उसका गेम प्ले ख़राब भी हो सकता है, ठीक है ना, तो उसको गाली मत दो। और क्या है ना भाई, ये आलोक कुछ नहीं है, मेन है गेम प्ले भाई, गेम प्ले अच्छे हो तो भाई तुम एडम से भी बहुत लोगों को मार सकते हो। तो गेम प्ले बंदे लोगों का गेम प्ले देखो, पहले गेम प्ले कैसे वो देखो, उसके बाद उसको गाली दो या जो भी गाली की हो देना, गाली मत दो, मतलब उसकी गेम प्ले अच्छा नहीं लगता तो उसको तुम्हारी जो नॉलेज है उसको बोलो ऐसे ऐसे खेलो ऐसे ऐसे, मतलब उसको टीचिंग कराओ, जैसे मतलब टीचिंग भाई, टीचिंग कराने का मतलब ये तुम्हारी मर्ज़ी, कराओ या नहीं कराओ ये तुम्हारा मर्ज़ी है ना, लेकिन गाली मत दो, ठीक है। तो एक बात याद रखना, तुम भी पहले ऐसे ही था, तुम भी जब फ्री फायर गेम इंस्टॉल किया
तब तुम भी ऐसे ही गेम प्ले करता, या मतलब तुम्हारे पास भी आलोक नहीं था, कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे तुम खेला, तुम्हारे पास पैसा है इसलिए तुम सब कुछ खरीद लिया। तो सबके पास भाई पैसा नहीं है और सब मतलब खरीद नहीं पाते हैं, तो जैसे भी वो खेलते हैं इसलिए कि ये गेम को मतलब प्यार करते हैं भाई। बहुत सारे लोग ऐसे, मैं भाई बहुत कुछ फेस करके ये गेम खेल रहा हूँ। जैसे भी मेरा घर पे भाई, मुझे मेरा घर पे बहुत प्रॉब्लम हुआ था, मेरा मामी पापा तो नहीं है, तो मामी ने तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन मेरा जो पड़ोसी होता है वो लोग मुझे बहुत कुछ बोला। एक दिन तो एक ने मारने भी आया था, तो फिर भी हम कुछ नहीं करते, फिर भी हम गेम को खेलता हूँ, फ्री फायर गेम खेलता हूँ, क्योंकि भाई इसमें एक आदत सा हो गया, एक नशा की तरह हो गया, इसलिए खेलते रहता हूँ। तो क्या है ना, सब लोग ऐसे ही, कोई सब जैसे हम जैसे गरीब, मिडिल क्लास तो नहीं बोलूँगा, हम गरीब है, तो हम जैसे गरीब के लिए क्या होता है, इनकम करना होता है या स्टडी करना होता है, लेकिन हम फिर भी खेलता रहता हूँ ये गेम को, क्योंकि ये गेम को हम बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत कुछ इस गेम पे है, गेम की तरफ मतलब क्या बोलूँ, बोलने का कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब कुछ ना कुछ तो है, इसको दिल से हम लोग प्यार करते हैं इसलिए इसको खेलते हैं। सिर्फ टाइम पास नहीं भाई, इस गेम पे एक दिन नहीं आता तो भाई मेरा कुछ मतलब मेरा शेर मतलब क्या हो जाते, मैं पागल की तरह हो जाता हूँ। मैं इस गेम को हाईस्ट 16 घंटा 17 घंटा भी खेला, खाना और गेम खेला सिर्फ यही किया था, इसलिए मुझे बहुत डांट पड़ा था, और मुझे तो मेरा एक दिन तो मेरा एक अंकल ने मुझे मारने भी आया था, फिर भी खेलता हूँ। तो ऐसा जैसे मैं भी ये सब फेस किया हूँ, तो ऐसा मैं सबने फेस कर रहा है। तो भाई इतना कुछ सेक्रीफाइस करके गेम खेलते आते, फिर आने के बाद गेम पर भी ऐसा ही होता है, क्या होता है हमारा जो मतलब लीजन प्लेयर, हम इसको लीजन प्लेयर बोलते हो, जिन जिन लोगों को मतलब अच्छा गेम प्ले नॉलेज है, गेम प्ले अच्छा करते हैं, उन लोगों में लीजन प्लेयर बोलते हो। तो वो लोग क्या करते हैं, हम लोगों को कीक मार देते हैं, खुद के साथ खेला जा नहीं है, और उसके बाद भाई गंदा गंदा गाली तो देता ही है। तो भाई लोग आप लोगों के पास एक मतलब जो बंदा मेरे वीडियो देख रहे और बहुत मतलब लीजेंडरी प्लेयर है भाई, उन लोगों को बस भाई मेरा एक रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा मत करो, किसी भी मतलब नया प्लेयर को ऐसे मत करो, गाली मत दो और किक मत मारो। एक दो मैच खेलो ना, क्या होता है, एक दो मैच में तुम्हारा कुछ नहीं होता है, रैंक नहीं खेलना है तो क्लासिक खेलो, फिर भी गाली मत दो, ठीक है भाई लोग। तो आज की वीडियो ऐसा ही था, तो जो मैंने फेस किया इसके उसके बारे में भाई छोटा सा एक स्टोरी बोल दिया। तो भाई लोग अगर किसी को बुरा लगा तो भाई सॉरी, और बुरा लगने का कोई बात मैंने किया ही नहीं, अगर बुरा लगे फिर भी तो सॉरी और क्या। और भाई जिन जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दो, और लाइक कमेंट और शेयर कर दो भाई छोटा भाई के लिए। तो बाय बाय दोस्तों, अच्छे रहना।